Hey guys, welcome back to another gameplay video. तो guys, आज की वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं अपनी राइवल एसएमपी का पार्ट वन। तो हाँ, मेरे को पता है, मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि मैं पीसी में खेल लूंगा, ठीक है। बट क्या नाम है, ये मैंने पहले से ही रिकॉर्ड करके रखा है, बस मैं वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसमें पीसी में नहीं खेल रहा, इसमें फोन में खेल रहा हूँ। और हाँ, स्टार्टिंग में ना हमारा थोड़ा पिंग इशू चल रहा था, पता नहीं क्यों खराब हो गया था वाईफाई, उसका दिमाग हिल गया था, तो इसलिए ना शुरुआत में थोड़ा सा लैग मारेगा, तो वो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो जल्दी से आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा स्पॉन एंट्री है, जो कि मैंने आपको अपनी पहले एसएमपी की इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, ठीक है। तो ये स्पॉन एंट्री है, और ये ना अभी मेरे नाम पर रजिस्टर है, तो कोई इसे तोड़ नहीं सकता। तो कोई ये ना सोचे ना कि चलो भाई जल्दी जल्दी क्वार्ट्स ब्लॉक ले लेंगे, तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले अपनी वुड तोड़ते हैं, भाई बेसिक रूल है यार ये। और मेरी ना आपको थोड़ी आवाज़ भी पता नहीं, मतलब पहले भी वीडियो में भी मैंने बोला था, मैं तब से बीमार हुआ, ठीक ही नहीं हो रहा मैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो तब से ना ऐसे गले में खराशी और खांसी वगैरह हो रखा है, तो थोड़ा सा देखना यार, आवाज़ ना थोड़ी भारी अजीब सी लगेगी, और ऐसी रोबोटिक टाइप की, मतलब रोबोट में गूंजती है ना आवाज़, मेरी भी वैसे ही गूंज रही है, मेरे को ऐसी अपनी आपको अपनी आवाज़ वैसी सुन रही है। ये देखो भाई, ये पंगे ले रहा है, बी से जब बी मारेगी ना इसको, तब पता चलेगा नू भी है डीआरवो। हाँ, और आप सोचोगे कि ये ब्लू सा कौन है, ये डीआरवो है, इसने अपनी स्किन बदली है, क्योंकि ना इसने अपनी जो स्किन बना रखी थी ना, वो पता नहीं इससे उड़ गई जब इनने न्यू माइनक्राफ्ट परचेज करी, मतलब रियल वाली, मैंने भी इसने भी सब ने करी हमने, तो इसकी वो वाली स्किन उड़ गई, इसे मिली नहीं है, तो अब इसे दूसरी स्किन बनानी पड़ी। मेरी भी स्किन ना मैंने वैसे कहीं किसी एप्लीकेशन से उठा रखी है, मैं जल्दी ना रमन की तरह अपनी खुद की स्किन बनाऊंगा, ठीक है। ये तो इसने भी उठाई है, मैंने भी उठाई है, ये भी अपनी बाद में बना लेगा, मैं भी अपनी बाद में बना लूंगा। यार मैं चुराई हूँ स्किन, बहुत बड़ा चोर हूँ यार मैं, मुझे चोर तो नहीं कह सकते यार, सब भी पहले ऐसे ही करते हैं ना जो स्टार्टिंग में माइनक्राफ्ट खेलता है। जैसे मैं स्टार्टिंग करी थी, मैंने खेलना शुरू करा था, तो मेरे को कोई स्किन दिखी नहीं, मेरे को ये अच्छी लगी, मैंने ये लगा ली, तब से फिर यही लगा रखी है, बदली ही नहीं, अब बदलूंगा। ये देखो थोड़ा थोड़ा लैग इशू हो रहा, बहुत। वो भाई साहब, रमन गेमर गेटिंग एन अपग्रेड, ये भाई ये सबसे सही चीज लगती है यार, एडवांसमेंट, क्या बोलते हैं यार इसको, मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा, छोड़ो बड़े, ये सबसे बढ़िया चीज है यार। ये भाई कितना लैग मार रहा है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पर ना हम काफी देर से भटक रहे थे, हमने पता नहीं यहाँ पे क्या पागल वाली हरकतें करी हैं, और अभी मैं यहाँ ऊपर हूँ, यहाँ पे खाना वाना ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा हेल्थ बार देखना कितना कम हो रखा है, 2 मिनट का इस शरीर में खांसी आ गई थी। और सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है यार, मेरा ना माइक भी खराब हो चुका है। भले मैंने कीबोर्ड माउस परचेज कर लिया, रियल माइनक्राफ्ट परचेज कर लिया, ये दोनों खुशी मिली कि एक गम आ गया कि मेरा माइक खराब हो गया, तो अब हमें आवाज़ का थोड़ा ये थोड़े दिन देखना पड़ेगा, उसके बाद हम रियल मतलब और भी बढ़िया वाला माइक खरीद लेंगे, डीआरवो जितना, मतलब डीआरवो का था कुछ 800 का माइक है उसका, ठीक है। ये बहुत अमीर लोंडा है गाइस, ये मोटी चैन मोटा वैसा करता रहता अपने घर पर बैठा, ठीक है। तो ये तो भाई अमीर है, तो भाई इसके पास तो काफ़ी है अच्छा वाला माइक, तो जब ये हमारे घर आएगा तो इसी से वो करवा लेंगे, इसके माइक से ही वॉइस ओवर कर लेंगे, नहीं तो हम जल्दी अपना माइक परचेज करेंगे मैं और रमन। वैसे यार हमारा माइक भी बढ़िया था, पर यार खराब हो गया, नहीं तो फिर मेरे को इसके डीआरओ के घर जाके चुरा के लाना पड़ेगा इसका माइक। ये भाई कितना लैग मार रहा है। और हाँ, कोई ये ना सोचना कि भाई एसएमपी में लैग हो रहा है, तो ये एसएमपी में नहीं लैग हो रहा था, ये हमारा नेट इशू था, मतलब यूट्यूब भी नहीं चल रहा था, फिर भी हमें लत लग रही थी कि भाई अभी स्टार्ट करेंगे एसएमपी, क्योंकि फिर बाद में टाइम ना मिलता, डीआरओ भी हमारे घर ना होता, क्योंकि हम उस टाइम इकट्ठे बैठ के खेल रहे थे, ठीक है। तो ये लो भाई डीआरओ का नाम दिया, डीआरओ आ गया, छोटू डीआरओ, ठीक है। क्या भी गाइस, सारे बड़े वाले पिक डीआरओ नहीं है, ये छोटू वाले, ये देखो अपने आप को हमारे, बस ये जितने भी छोटू वाले पिक मिलते हैं हमें, ये सारे डीआरओ हैं, ठीक है, डीआरओ आर्मी। और इसलिए ना मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया, छोड़ो, डीआरओ लगा दिया मैंने। अरे 1 हिट मारने का अलग ही शौक है, पीसी में तो अलग ही मजा आता है, मतलब कंप्यूटर माउस से, पीसी तो नहीं। हाँ मैंने आपको बताया कि नहीं, फिर भी सुन लो यार, मैंने वो पता कैसे करा, मतलब एक यूएसबी हब लिया मैंने, ठीक है, और एक लिया मैंने ओटीजी को फोन में जोड़ा, फिर ओटीजी को जोड़ा, उसमें कीबोर्ड माउस लगा के भाई क्या मजा आता है रे खेलने में, मतलब स्क्रीन थोड़ी छोटी है, पर उसके पास मेरे उसके लिए मेरे पास एक टैबलेट पड़ा है, मतलब मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मेरे को गवर्नमेंट ने दे रखा है, और उसको हम एंड्रॉयड करके चलाते हैं, भाई बहुत हैकर टाइप के लोग हैं हम, वैसे तो सभी चलाते हैं यार, हमने पूरा एंड्रॉयड कर रखा है, पूरा फ़ोन की तरह चलता है भाई, क्या ही स्वाद आता है यार, उसी में मैं अपने वाइट स्टूडियो वगैरह सब चला लेता हूँ,
एडिटिंग वैसे मैं अपने फ़ोन में करता हूँ, पता नहीं क्यों, और उसमें फ्री फायर वगैरह भी पड़ी है मेरे टैब में, तो उसमें माइनक्राफ्ट मैंने रियल वाली परचेज़ नहीं करी, जल्दी परचेज़ करेंगे। उसके बाद गाइस हम यहाँ पर थोड़ी सी माइनिंग करने आ जाते हैं, माइनिंग करने नहीं मतलब यहाँ पे एक बड़ी सी ये पत्थरों की ये दिखती है, तो यहाँ पे कोयल दिखता है, मैं तोड़ने लग जाता हूँ। और रमन को ना उधर विलेज मिल चुका है, और उसको वो भी मिल चुका है एक रूइंग पोर्टल। भाई इतना चोर सा है ना यार, भाई वो पूरी लूट लूट लेगा यहाँ पर, शायद कोऑर्डिनेट्स भेजेगा अभी, जहाँ तक मेरे को याद है यहीं पे उन्होंने बताया था मेरे को रूइंग पोर्टल और विलेज मिला है। रूइंग पोर्टल, हाँ ये रहा ये रहा, तो ये ना मेरे को उसने विलेज के कोऑर्डिनेट्स भेज दिया है, रूइंग पोर्टल उसे मिला था, वो लूट के बैठा हुआ है पहले ही। तो अभी जल्दी से चलते हैं हम विलेज के कोऑर्डिनेट्स की ओर। वो दोनों पता नहीं, वो DRO भी अपना कुत्तों की तरह कहीं अलग घूम रहा है, रमन तो भाई अलग ही है भाई, उसने कितना कुछ ढूंढ लिया यार। ये देखो भाई यहाँ पे ना मेरे को एक एमरेल दिखा, मैंने अपना 999+ वाला दिमाग लगाया और इसे अपने स्टोन की पिकैक्स से तोड़ दिया। वैसे भी यार एक एमरेल का क्या करता है, मैं वैसे थोड़ा रेयर होता है मैंने सुना था, इसलिए दिखा दिया बस। अब जल्दी से भाग के चलते हैं, वैसे भी बहुत रात हो रही है और पता लगे तो जल्दी से मैं अपनी फ्लैश की पावर ऑन करता हूँ। 3, 2, 1। देख लो DC वालों, फ्लैश को छोड़ो, मेरे को रख लो अपनी टीम में, बता रहा हूँ सस्ते में काम कर लूंगा, एक्टिंग मतलब है। तो ये यहाँ पर यार देखो वो रमन वहाँ पे है, ठीक है, DRO अपना अलग घूम रहा है, तो थोड़ी देर में रुकना पड़ेगा। ओ एक जना सो गया शायद, DRO रमन सोया है, DRO तो अभी पता नहीं, लो वो लेफ्ट का गेम हो गया, तो चलो पास हो जाते हैं। तो चलो उठो चूर से, ये ही तोड़ दिया भाई मैंने हल वो मार्वल वालों, भाई हल्क को छोड़ो मेरे को रखो, देखो एक मुक्के में बैठ तोड़ा है इतनी पावर किसी में। वन पंच मैन वाली उनको भी बोल ही देता हूँ ना, इसको तोड़ के रख लेता हूँ यार, कहीं भी मैं घूमने जाऊँगा तो अपने सो जूंगा। अरे यार हट जा, ये लो आ गया ये भी, देखिए यही फायदा होता है आसपास बैठ के गेम खेलने का। वैसे तो मैंने इसमें वन स्लीपर मोड लगाया था कि एक बंदा सोएगा तभी भी दिन हो जाएगा, पर पता नहीं यार क्यों नहीं लगा, दोबारा से उसको ठीक करना पड़ेगा। नहीं ये चलो यार खाने की बहुत कमी है, वो देखो रमन भी तोड़ रहा है वहाँ पे, जल्दी से जितने हैबिल इकट्ठे कर सकता हूँ ना कर लेता हूँ। भाई खाना पता नहीं कब खत्म हो जाता है, पता भी नहीं लगता। वो पूरी हैबिल रमन वाले छोड़ो, ये तो तोड़ लेगा, उधर वाले लूट लेता हूँ सारे, अभी चोर रमन नहीं आ रहेगा। ये देखो भाई इतनी स्पीड, भाई चोरी के मामले में तो एक नंबर स्पीड है, पर मेरे से तेज नहीं है ये। वो वहाँ पे गुल्लू दादा भी खड़े हैं, जा रमन जा मार उसे, जा जा मेरे शेर। ए बढ़िया बढ़िया, मार दे खिटे, इतना क्या टाइम लगा रहे। चल अब गाइस अपन आराम से, वो देखो DRO भी आ गया, दे आयरन नहीं देने दूंगा बट किसी को, आयरन तो मेरा नहीं होगा मेरी बेटे की। चल भाई 4 हिट में ख़त्म, और कितना आयरन, ये देखो ये मेरे पीछे पड़ गया चोरों की तरह, ये रो रहा है कि भाई मैंने मारा, भाई मेरे को चाहिए आयरन, मेरे को चाहिए। फिर वो गुस्सा हो जाता है उस टाइम, फिर मैंने सोचा यार कितना आयरन है देखता हूँ। 3 आयरन मिला था, और जिसकी वजह से मैं कहता हूँ भाई एक एक रख लेते, देख ना तीनों तेरे को नहीं दूंगा मैं, एक एक बात करनी है तो मान जा, इसे बोल रहा होता हूँ मैं, फिर ये यहाँ पर मान जाता है, फिर मैं इन्हें एक एक आयरन दे देता हूँ गरीबों को तरस खा के। ये 3 में से 1 इसको दिया, ले रख ले, मेरे पास ही आ गया यार, ले रख ले। आओ DRO ले तू इधर आ जा, ले ये तो सबसे ज़्यादा नूबड़ है, इसको तो देना बनता है यार, ये पता नहीं बिना शील्ड के मरता फिरता रहा हो। ये भाई साहब दोनों को एडवर्समेंट मैं दिला रहा हूँ, एक तो यार मेरा ऊपर से गला खराब, ऊपर से माइक नहीं है भाई, इतनी स्लो आवाज आ रही है मेरे को पता है, सॉरी मैं थोड़ी धीरे बोल रहा था, कुछ ज़्यादा ही सुस्तड़ हो गया था, अब तेज तेज बोलूँगा। पहले ना यार मैं अपने लिए खाना बना लेता हूँ, क्योंकि ना मैंने कुछ ज़्यादा ये फालतू में हेविल बना के रखे, और खाने को कुछ है नहीं, पेट मेरा दुख रहा है यार। वैसे ना एक बात बताऊँ, फ़ोन में ना बहुत हुआ है कसम से, जैसे इसमें मेरे को क्लिक क्लिक करके ब्रेड लेने पड़ रहे हैं, माउस में पता क्या है, एक ही बारी में क्लिक करो जितने ब्रेड आएंगे वो जल्दी जल्दी होंगे, फिर उन्हें अपनी इन्वेंटरी में रख लो। भाई क्या ही मज़ा आता है यार PC में खेलने का, तुम भी ले लो यार, ज़्यादा खर्चा नहीं होता, मजाक नहीं, गेम प्ले में एक नंबर बन जाओगे। अगर किसी को कंटेंट बनाना है, कोई कंटेंट क्रिएटर है माइनक्राफ्ट का, तो वो खरीद लो, इतना भी महंगा नहीं है, PC से बहुत बेकार, स्मूथ भी चलती है, लैग भी नहीं मारती, और माइनक्राफ्ट भी रियल वाली अभी 30 रुपये की आ रखी है। जो बंदे फ्री फायर खेलते हैं उनको तो दिक्कत ही नहीं, 30 की ड्रॉप खरीद लेते हैं, तो माइनक्राफ्ट तो खरीद सकते हैं।
ये घर ना मेरे को बढ़िया लग रहा है, थोड़ा बड़ा भी है, स्पेस भी है, इस घर को अपना बनाऊंगा। देखो बेड और वो कारपेट भी मैच कर रहा है यार, मजाक नहीं। यहाँ पे मेरे पास एक आयरन है, फिर मैं धीरे बोलने लग गया यार, सॉरी सॉरी, आप पक्का तेज बोलूंगा, ध्यान भटक जाता ना पहले तो यार मैं। ये देखो ये यहाँ क्यों आ रहा है, पक्का कुछ मांगने नहीं आएगा। ले भाई पता था मेरे को, वो विलेजर चकले को उठा ले। हाँ अभी विलेजर चक लेता ना, इसको पेलता मैं। ये रमन कहाँ पे है बे? माइनिंग पे भी चला गया चोर सा भाई, इतना मतलब भाई इतना ऐसा बुरा इंसान होना। ये देखो ये डीआरओ यहाँ फिर रहा था, मतलब वो नहीं, ये देखो यार ये अपने आप को ही मारता रहता चोर सा। मैं क्या करूँ यार, अच्छा लकड़ी उठा रहा था मैं भाई, कर क्या रहा हूँ मैं भाई भाई, इतना गेम खेलते समय ना मैं इतना पागल हो रखा था। अच्छा क्राफ्टिंग नहीं, क्या कर रहा हूँ भाई, क्राफ्टिंग टेबल पड़ा था मेरे पास भाई, अब दिख रहा मेरे को कि मेरे पास दो क्राफ्टिंग टेबल हो गए। मैं कब से सोच रहा हूँ मैं भाई, मैं क्राफ्टिंग टेबल ढूंढ रहा था। हाँ सच याद आया मेरे को ना, इस पल पे लगा कि मेरे पास ना क्राफ्टिंग टेबल नहीं है, तो मैं क्राफ्टिंग टेबल मेरे को दिखा नहीं था, मतलब मैं इतना पागल हूँ भाई, गेम खेलते समय ना मेरे दिमाग चेक करा रहा था, मैं अलग ही डायमेंशन पे पहुंचा होता हूँ। और अगर आपको पीछे से ऑटो की आवाज़ आ रही है ना तो सुन लो। हाँ तो मैं ना अपना यहाँ पर विलेज मतलब अपना घर बना रहा था विलेजर का चुराया हुआ, ठीक है। तो इसके बाद मैं पता नहीं, हाँ शायद इसके बाद हम माइनिंग पे जाने की सोचते हैं। ओ ये तो यार, हाँ ये मैं तुम्हें शायद दिखा रहा था कि भाई लकड़ी से पता लगा सकते, जैसे मैंने लकड़ी पे जमीन पे क्लिक करा ना तो वहाँ पे आया नो वन क्लेम हैज दिस ब्लॉक, मतलब कि ये जो एरिया ये किसी का भी नहीं है, तुम इसे अपना क्लेम अप कर सकते हो। और यहाँ पर हम आते हैं, ये ना केव शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है भाई, इतनी सी केव होती है। दो कोयल तोड़ के ये बोल रहे हैं भाई माइनिंग पे गए हैं, माइनिंग पे गए हैं। उसके बाद मैं ना अपना सामान रखने के लिए एक चेस्ट बनाता हूँ, जिसके लिए मैं अपने ही घर से मतलब विलेजर के घर से लकड़ी ले लेता हूँ। वैसे अब तो मेरा ही हो गया है यार, ये विलेजर रोक सकता है क्या मेरे को? चलो यहाँ पे एक चेस्ट बना लेते हैं। ये क्या भाई, क्या कर रहा हूँ मैं? अच्छा शील्ड बना रहा हूँ, मेरे को लगा चेस्ट बना रहा हूँ, सॉरी भाई। इसे कहते हैं पहले रिकॉर्डिंग करके बाद में वॉइस ओवर करने का घाटा। जल्दी आ, एक बढ़िया सा माइक ले लूँ ना मैं, अपना कमरा बंद करके गेम खेलते साथ ही वॉइस रिकॉर्डिंग करा करूँगा जल्दी, ताकि अच्छी वीडियो बने। बहुत घाटे होते हैं यार ऐसे। और हाँ ये ना डीआरओ मेरे को बुला रहा, यार लैग मार जा पहले तू। डीआरओ मेरे को वो लाइंस देखी ना आपने ब्लॉक की, डीआरओ मेरे को स्पेशल बुला रहा, कह रहा भाई इधर आ इधर आ, और बाद में ये दिखा के कह रहा है भाई देख कितनी रेयर चीज। मेरे मन से ना बस उस टाइम एक ही बात निकली थी भाई, टट्टी दिखा रहा है भाई। तो भाई यहाँ पर ना हम पता नहीं कौन सी रूविन में जा रहे हैं, ठीक है मेरे को भी नहीं याद, बस यहाँ पे कुछ अच्छा मिल जाए। ये क्या भाई, शुरू होते ही खत्म, छी। तो यहाँ ना रमन ने हमें बताया कि साइड एक रूविन है, तो हम वही रूविन में जा रहे हैं, देखते हैं भाई वो रूविन में कोई बढ़िया से कुछ मिल जाए भाई, ठीक है। अगर वो बड़ी रूविन हुई है ना, बड़ी रूविन में कई बार डायमंड वायमंड भी मिल जाते हैं भाई। ये क्या है, ये तो पानी है यार, मेरे को दूर से लगा यही रूविन है, इसका नेम टैग भी नहीं दिख रहा, कहाँ है ये? तो डीआरओ की आंखें बड़ी तेज है, डीआरओ कह रहा है हमें उस साइड है, पर उस साइड से तो आए हम। अच्छा ये अंग्रेज है भाई, मेरे को लग रहा है भाई ये फुद्दू है ये। चल फिर भी चल लेते हैं इसके पीछे। नहीं रमन ने ना हमें वो, देखो भाई डीआरओ हमें उधर लेके जा रहा था, बल्कि आना इधर था, रवीन इधर थी, रमन ये रहा, वही वो रहा रमन। ये भाई क्या है, एमएलजी मारी भाई मैंने, देखा भाई 1 लाख तो बनता है भाई एमएलजी के लिए भाई साहब, बिना वाटर बकेट के एमएल जी भाई। कौन स्मार्टीफाई भाई, मैं हूँ स्मार्टीफाई, बस मैं अपने रियल चैनल में नहीं हूँ। ओ भाई वहाँ पे देखो क्रीपर के परिवार वाले खड़े हैं, रात भी हो रही है, पहले घर ही चलते हैं अपने, ठीक है। तो भाई अब ना जल्दी से हम घर चलते हैं भाई, सुबह आएंगे पता लगे और इतने सारे मोब हमारे ऊपर चढ़ रहे हो और हम बिल्जे। ये देख रहे हो भाई, देख रहे हो पार्कोर, बस अब मैं बाद में ना इस पे टट्टी टट्टी वाले मीम लगा दूंगा। यार ये रमन को पीट रहा है, मेरे को मार रहा। ओ भाई चोर सा भाग गया, देख भाई इतना हरामी दोस्त पाल रखे हैं मैंने, छोड़ो यार मैं भी निकलो। तो सॉरी किसी का ना फोन आ गया था, तो जल्दी से अब चलते हैं अपने घर पे। और ये कल
मतलब कल मैंने आधा वॉइस ओवर करा था, अब आधा वॉइस ओवर मैं आज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी आज आपको थोड़ी आवाज़ तेज भारी लगेगी। तो फिर हम आ जाते हैं इस केव में माइनिंग करने, मतलब जहाँ पे हम कल आए थे रवीन में। तो नीचे ही एक एंडरमैन है, और यहाँ पर अभी नीचे तो नहीं जाते भाई, कुछ सामान भी नहीं है यार ज़्यादा, ये थोड़ा बहुत ही सामान है। चलो सबसे पहले ना इधर एक केव दिख रही है मेरे को, उधर ही चलते हैं, क्योंकि शायद वैसे नीचे रवीन में वो आयरन वायरन ज्यादा होगा, पर अंदर यार मोब वोब भी ज्यादा होंगे, और कुछ लड़ने को भी नहीं है, खाली हाथ क्या ही लड़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले इस केव में ही चलते हैं, और ये नमूने पता नहीं कब तक आएंगे। चलो वहां से एक टॉर्च ले आया हूँ मैं, पीछे लगी पड़ी थी भी क्या। अच्छा नेट चढ़ रहा है। ओ भाई साहब आते सारी आयरन, ये क्या है भाई, ये पिट ना जाए, मैं इसकी मदद कराता हूँ। रुको कितना नूब है ये, मेरे को इस पर भरोसा नहीं, ये ना पिट जाएगा पक्का भाई साहब। कोई नहीं कहेगा मेरे को, वैसे याद था आए पिट गया था जैसा कि कोई। भाई ये लाइफ स्टील है संपी, और इतने नुबड़ी हरकतों से मर रहा है ना ये, भाई क्या बोलूँ यार मैं इसके बारे में। फिर इसका सामान मैं उठा लेता हूँ, सोचा चल थोड़ी देर में दे दूंगा, जब तक ये नहीं आता मैं यहाँ पर क्या करूँ। यहाँ पे और आयरन दीजिए। ओ भाई क्रीपर है, चल क्रीपर से तो क्या ही डरना, ये तो ऐसे ही फट जाएगा। बढ़िया। हाँ और इसमें ना एक बहुत सही चीज़ है, मतलब ना इसमें मेरे को नहीं पता ये शायद कोई ग्लिच है, जब भी यहाँ पे क्रीपर फटता है ना वो डैमेज देता है, पर ना वो कोई सामान नहीं तोड़ता, मतलब कि कोई ब्लॉक नहीं तोड़ता। ये देखना अभी देखना, ये देखो ये इनने मेरे को डैमेज दिया, पर कोई भी वहाँ पर ब्लॉक नहीं टटा, ठीक है। ये चीज़ बढ़िया है यार क्रीपर में ना, किसी का घर वर बच जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको इसका सारा सामान दे दिया है, टॉर्च इसकी नहीं देता, टॉर्च मैं रख लेता हूँ, खाना भी इसको थोड़ा बहुत दे देता हूँ, और पता लगे भुखमरी से मर रहा हो ये। और अभी रमन पता नहीं कहाँ पर है, दो आयरन हमारे को, हमारा पू भाई आयरन दिखे यहाँ पे गद्दा नहीं है, एक्चुअली नहीं है पर है, अभी अंदर चलते हैं ना, अंदर क्या पता मिल जाए। ये देखो फिर, ये देखो फिर जल्दी कर रहा है भाई, ये पिटेगा ये, मैं नहीं देखने लग रहा गलती से भी, मेरे को मेरे 10 के 10 8 बचा के रखने हैं। मैं मरा नहीं भाई, एक बार भी ना मरूंगा। रमन का भी एक हार्ट कम है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में यार पता नहीं क्या लैग की वजह से मरा था, वो मरा नहीं था मतलब मरा उसकी वजह से, मैं था लैग की वजह से, और उसको अपना वो हर्ट मेरे को देना पड़ गया, तो मेरे 10 हर्ट है, उसके 9 हर्ट है। और यहाँ पर हमें मिल चुका है एक और आयरन, 4 आयरन की वेन है ये। यस तो हमारे पास टोटल आयरन हो चुके हैं अब 7, जिसमें से थोड़े गरीब छीन लेंगे। ओ भाई ये क्या था, मैं भी गिरा रमन भी गिरा, यहाँ पे आयरन दीजिए ना इधर भाई, एकदम से भाई खड्डा, शुक्र है कि कोई बड़ी वो नहीं थी, मतलब बड़ा खड्डा सा नहीं था भाई, मर जाते हैं पता नहीं। ओ भाई लड़ रहे हैं, ओ भाई साहब डीआर वो है मेड द एडवांसमेंट ऑफ मॉन्स्टर हंटर, इनको मैं भी ले लेता हूँ भाई। अब मार रही है यार मॉन्स्टर, वैसे मॉन्स्टर तो नहीं है हड्डी है ये, मैं नहीं यार अंदर ही नहीं को जाने दो, जाओ जाओ मेरे शेरों, लोग पिटने भी लग गए इनको तो, कुत्ता समझ नहीं रखा हुआ, मेरी सेफ्टी के लिए रखा हुआ मैंने इन्हें। अरे कुछ भी नहीं है यार, देखा तभी नहीं जा रहा था मैं, तुम्हें क्या लग रहा है मैं डर के नहीं गया इस केव के अंदर, मेरे को पता था, मैंने सूंघ लिया था कि कुछ नहीं है, मतलब सूंघा नहीं था मतलब कुत्ते तो ये हैं, इन्होंने सूंघ के बता दिया था मेरे को, फिर भी मैंने इन्हें कहा जाओ देखो कुछ तो होएगा। ओ भाई देखो कितनी नाक तेज हो रही इनकी, देख इन्हें पता चल गया कि यहाँ पे केव है। और चलो मैं चलता हूँ, सामान तो भाई लूंगा। और भाई अब उसी केव में घूम के वापस आ रहे हैं भाई, कुछ भी नहीं था, एक गोल घुमा के लाई हमें ये, छी यार। चल कोई ना, पिछली बार हम यहाँ पे गिर गए थे ना, इस बार ना ऊपर से जाएंगे। ये क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा ब्लॉक तोड़ रहा था, मेरे पास 6 ही ब्लॉक है। और यार एक तो बिना माइक की इतनी स्लो आवाज जा रही है ना, मैं इतनी तेज बोलना पड़ रहा है, फिर भाई क्या यार माइक लेना पड़ेगा जल्दी। और फिर से ये हड्डी सामने परेशान करने आ गया, चल खत्म। बोन मिल रही, ओए टॉर्च नहीं है मेरे पास, कहाँ जा रहा है, रमन के पीछे चलना पड़ेगा भाई। यहाँ पे आ रही है मोस्टर ने जान खा रखी है, क्यों स्पॉन होते हैं क्रीपर का यार, ये इधर मैं पीछे से मारता हूँ मैं,
इनकी नजर भी नहीं जाएगी मेरे पे। चलो आराम से इन्होंने मार दिया सारे। अंदर आयरन 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 दीजिए यार। आयरन तो दिखा नहीं, कोयले तोड़ देते हैं, टॉर्च बना लेंगे। मैं कुछ बोल नहीं ना रहा हूँ बिल्कुल यार। ये वेव्स होती हैं बोलने वाली, इतनी बिल्कुल इतनी सी जा रही है। मैं बोल रहा हूँ भाई क्या है यार, ये कुछ भी नहीं है भाई। ये क्या फालतू की केव है इतनी बड़ी। लो इसने एक और केव ढूंढ दी भाई। ब्लॉक तोड़ तोड़ के केव ढूंढ रहे हैं ये। और यहाँ पर रात हो चुकी है। ओह यहाँ पे एक आयरन है, फाइनली एक और आयरन मिलता है हमें। लो देख लो गरीबों, आयरन देख लो। तोड़ दूं क्या मैं? मतलब यार मेरे को तोड़ना तो है, बट ये ना मेरे पास वो नहीं है स्टोन की पिक्स। चल दूसरा तोड़ो। एक नहीं, ये नहीं मिला मेरे को। दूसरा मैं लूट लूँगा जैसे ये तोड़ेगा ना। आई एम रेडिंग फॉर रेडी। तोड़ दिया क्या? मेरे पास आया एक भी क्या? 7 आयरन है मेरे पास। थोड़ा बहुत तो ये भी ले ही रहे होंगे। चल ये रमन ना ऑफलाइन हो गया था 2 मिनट के लिए, तो अभी वापस आ गया और पैसे का इंतजार कर रहे थे। टॉर्च भी यही लेके घूम रहा है। तो कब से ना रमन ने हमें अपने साथ रोक के रखा, और जैसे ही आया आके बोल रहा है कि भाई मेरे पास भी टॉर्च नहीं है। फिर अपन ने सोचा चल फिर भाई क्या ही करना। यहाँ पर अपन थोड़ी देर खड़े हुए और फिर अपन यहाँ से निकलने लग गए। और यहाँ से निकलते निकलते पहले यहाँ पे ब्रिज बनाया, फिर सोचा बाद में जाएंगे नीचे माइनिंग कर रहे। और भाई शुक्र है मेरा एक हैबल बच गया। भाई हैबल बहुत जरूरी हो रखा है इस टाइम, ठीक है। फूड के लिए हमारे पास कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज है नहीं, तो फिर हम चलते हैं सीधा अपने विलेज में और देखते हैं क्या करेंगे। अच्छा मैं भाई मैं क्या हूँ भाई, मैं ऊपर से नहीं जा रहा हूँ, मैं स्पेशल केव से निकल के जा रहा हूँ। ज़ॉम्बी बनने का शौक है मेरे को। फिर यहाँ से चलते हैं गाइस जल्दी से अपने विलेज में। विलेज में जाएंगे रसमलाई। ये कौन है भाई? ओह पिलेजर्स यार। पर अभी रेड नहीं करवानी क्योंकि कुछ भी खास नहीं पड़ा, ऐसे ही पिट जाएंगे हम। पर ये तो वो वाला नहीं है, इसको मैं पेल ही सकता हूँ। मैं पेल नहीं सकता हूँ यार, एक तो फ़ोन में खेलना बहुत डिफिकल्ट होता है। अरे भाई क्या भाई मार रहा है यार तेरी ऐसी कैसे साड़ी इधर आती। बस वो क्या कहते हैं उसे, एक्स वाला विलेजर प्लेजर ना हो भाई, वो बहुत गंदा मारता है भाई। कितना किल क्यों रहा है यार ये प्लेजर मारने आ गया देखना। चलो ऐसे थोड़ी सी इन्हें हेल्प भी करी मेरी, पर यार ये कसम से यही चोरा बनती है इसकी। ऐसे करके ना ये अपने मोब को मारने वाले वो बढ़ाता है, फिर बोलेगा मैंने सबसे ज़्यादा मोम मारे है। आके विलेज प्लेजर चुरा लिया यार मेरा। और यहाँ पर ना रमन ने ना उस वाले उस वो जो प्लेजर को मार दिया जो झंडा लेके फिरता है, और इसे ना बैड ह्यूमन का इफेक्ट मिल गया है। तो मैंने इसे मना कर रहा था कि भाई नहीं नहीं, नहीं रेड नहीं करवानी, तू बाहर ही रुक। क्या नाम है, मैं तेरे लिए वो लेकर आया बकेट बना के, जल्दी से बकेट बना के वो लेकर आया दूध, ताकि इसका पोषण वो हट सके। और फिर यहाँ पर ना मैं यहाँ पर थोड़ी सी लकड़ी तोड़ देता हूँ कि आयरन को खिला के मैं बकेट बना सकूँ। नहीं क्या कर रहा हूँ, तो पहले हेल्थ बढ़ा रहा हूँ, हेल्थ भी मेरी कम हो चुकी है। कोयल पड़ा तो था मेरे पे, फिर मैंने लकड़ी भी तोड़ी है बे। थोड़े बहुत ना मेरे अंग्रेजी वाले काम है कसम से। उसके बाद यहाँ से क्या कर रहा हूँ भाई मैं, एक तो यार लैग हो रहा था वाईफाई, दूसरा यहाँ पर क्या नाम है माइक नहीं है। इतनी गंदी वीडियो बन रही है ना मेरी यार, मैं कसम से मैं खुद कहना चाहता हूँ छोड़ो भाई, तुम छोड़ो कुछ और किसी और यूट्यूबर की देखो, छोड़ के चले जाओ इस वीडियो को, इतना घटिया बन रही है यार ये। चलो फिर मैंने यहाँ पर एक चेस्ट बनाई अपने लिए, और यहाँ पे सामान रख लेता हूँ ना ये फालतू का ऊपर ऊपर। ये फालतू के स्टोन हेबल हड्डियाँ ये टूटी हुई एक्स ही रोटन फ्लैश लकड़ी काम किया ना, लकड़ी नहीं रखता, ये फालतू के स्टोन रख देता हूँ। तो यहाँ पे ना हमारा आयरन भी पिघल के यार क्या कहते हैं सिमलेट हो चुका है, जो भी कहते हैं ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 7 आयरन हो चुके हैं। एक मैं बना लेता हूँ वाटर बकेट पहले। अभी ये क्या बन रहा है, हाँ अब वाटर बकेट बन गई ठीक है। बाकी का आयरन अभी रख ही देता हूँ, बाद में रखेंगे। यहाँ रख देता हूँ अपना आयरन। नहीं यार क्या कर रहा हूँ मैं, शायद स्वॉर्ड बनाऊँगा एक, या पिकेक्स बनाई। यहाँ पिकेक्स जरूरी होती है भाई। यहाँ पे हमारी एक आयरन की पिकेक्स भी बन चुकी है, अगर हमें डायमंड माइनिंग पे जाना हो तो। डायमंड अब हम डायमंड तोड़ने के लिए भी तैयार हो ही चुके हैं, जल्दी से जाएंगे बाद में ना। ये एक आयरन रख देता हूँ, शील्ड मेरे पास है ही है। और ये करा हमने गेट बंद। चला भाई कब से भाई काऊ ढूंढ रहा हूँ, एक काऊ नहीं मिल रही। घोड़े का मुँह पिला दो कैसे भाई, घोड़े भाई दे दे
छी, मुंह तो नहीं निकल रहा, अरे गलती से लगा यार, मैंने मारना नहीं था उसको, सॉरी सॉरी यार। कब से एक गाय ढूंढ रहा हूँ, गाय नहीं मिली। ये देखो, ये देख रहे भाई इसकी हरकतें। हाँ चला गाय ढूंढते हैं। फिर गाइस हमने गाय ढूंढते ढूंढते इधर आ गए, सारे अलग अलग हो गए, रात भी होने वाली है, ठीक है। और फाइनली जाके अब जाके हमें एक गाय मिली है, और यहाँ पे एक DRO भी है, DRO भी दूध नहीं दे रहा। ये देखो भाई इसकी हरकतें बहुत माड़ी है, अपने आप को ही मारता रहता है ये। कहते हैं शोर कर यार भाई, मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये कॉमेडी के नाम पे। चलो अब हमारे पास मिल्क भी आ चुका है यार, मैं भी पी लूँ क्या। ओए यार सुबह हो गई कि रात हो रही है, समझ नहीं आ रहा अब कुछ। और ये रमन को ढूंढना पड़ेगा, ये पता नहीं भटकता भटकता कहाँ भटक गया। विलेज तो हमारा हो रही है, कह रहा विलेज के आसपास है ये, पर दिख ही नहीं रहा है विलेज के आसपास ना। मैं पी लेता हूँ अपना दूध, थोड़ा सा हेल्थ बढ़ गई हुए और दे दे। अब चलो जल्दी से पहले जाके हम सोचते हैं सोएंगे कैसे। बट रमन को तो यहाँ पर ना हम सो जाते हैं, और रमन को ना गेम लेफ्ट करनी पड़ जाती है, ठीक है। MLG करूँ क्या, ये MLG हुई नहीं यार। और यहाँ पर क्या होता है, हाँ हमें ना रमन यहाँ मिल जाता है, रमन ना हमें इस कोऑर्डिनेट्स पे बुलाता है लेफ्ट होने के बाद। और इसको यहाँ पर दूसरा विलेज मिल चुका है, ये रात से कह रहा है कि क्या नाम है, विलेज के आसपास हूँ, विलेज के आसपास हूँ। और ये ना यहाँ पर दूसरे विलेज के आसपास था। हाँ अभी बताता हूँ मैं आपको, मैं सोच रहा था यार टाइम मिल गया एक साथ, एक मतलब उससे बताऊंगा, मैंने पता नहीं क्या ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है ये, ठीक है। ये न्यू विलेज है जो रमन को रात को मिल गया था, और रमन हमें कह रहा रात को कि विलेज के आसपास हूँ, मैं विलेज के आसपास हूँ, हमें मिला नहीं। फिर इसको गेम लेफ्ट करनी पड़ी, हम सो गए। सुबह उठ के पता लग रहा है भाई ये वाले कोऑर्डिनेट दे रहा है, और ये इस विलेज के आसपास है। भाई हमारे पास अब SMP में 2 विलेज हो चुके हैं, पर जो आपको घर बनाना ना, जो भी बंदे घर बनाएंगे वो पहले वाले विलेज के आसपास ही बनाना, कोई वहाँ पे भी काफ़ी प्लेन जगह है। यहाँ पे भी आ जाना, यहाँ पे वैसे मैं बता दूँ अपने जहाँ पर अभी हम फ्यूचर में है ना, यहाँ पे मैंने अपना एक ट्रेडिंग हॉल बनाया छोटा सा, और क्या नाम है, हाँ तो और हमारे पास तो पैसे भी हो चुके हैं फ्यूचर में, अभी जहाँ पर मैं हूँ मतलब प्रेजेंट में कह सकते हैं। तो घर आपने वहीं बनाना, बट यहाँ आके आप विलेज वो ले सकते हो, विलेजर से ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर तो भाई सारे विलेजर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, वो शायद इधर ही आ गए, क्योंकि यहाँ पर वो सुअर वगैरह रहने लगे ना, सुअर और रमन। चल भाई खाने की चिंता तो दूर हुई। और रमन यहाँ पे कह रहा ना, यहाँ पे वो भी है नेदर पोर्टल, मतलब वो क्या कहते हैं यार उसको, क्या कहते थे, इतना भुलक्कड़ हूँ मैं, मतलब रूम पोर्टल। अरे भाई मुश्किल ही लग रहा है, मैं वीडियो बना पाऊंगा भाई, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी जहाज आ रहा है, कभी बच्चा आ रहा है, भाई इतनी दिखते। और ये देखो अभी हेबल चोर आ गया ये, ओ भाई अपने हेबल तोड़ ले जाके, ये देखना देखना तलवार दिखा रहा है, एक्शन मार रहा है। ओ सैम्पाई स्पाइडर के चाचे, ऊ ऊ ऊ ऊ सॉरी सॉरी छोड़े, यहाँ से निकलते हैं। ये रूइंग बोटल है भाई, लूट चेस्ट खोलने का फायदा तो है नहीं, इसने पूरा लूट के रखा होएगा, ठीक है। वैसे लावा कितना है यार यहाँ पे, रूइंग बोटल भी बड़ा है, देखो पूरी चेस्ट खाली कर दी, एक गाजर तक नहीं छोड़ी। ये लूट लेते हैं, बाद में काम आएंगे, ये काम आते हैं भाई बाद में ना, इनके ट्रैप बना के DRO और रमन को फंसा देंगे उसमें। ओ भाई ये लावा, अलग से लावा पूल भी, अच्छा इतने लावा पूल मिल चुके हैं ना रमन को। भाई साहब और ये देखो भाई गए, ओए ओए ये क्या करा मैंने, सॉरी भाई यार, मैंने मारना नहीं था गाय माता को, गलती से यार करा गया ये मैंने यार, सॉरी सॉरी गलती होगी। ये देखना भाई एक्स दिखा रहा है, ओ मुसलमान भाग जाए यहाँ से, DRO लेफ्ट देखे सबसे प्यारा दोस्त भाई यार, इसने तो अपने हाथ ना यू बांटे है ना लावा को, लावा में 2 बार ही मर चुका है नुबड़ा सा। ओ 1-2 मिनट, एक लावा पुल उधर भी है ना भाई, एक लावा पुल ये रहा, एक ये रहा भाई, कितने लावा पुल वगैरह है यहाँ पर भाई साहब। अरे नहीं यार मेरे को ये ब्लॉक तोड़ना था ना,
हाँ इसको तोड़ना था। अरे बट यहाँ पे कमी रहेगी। अरे क्या कर रहा है यार ये, मैंने छोड़ो यार यहाँ से चक्कर, दूसरी साइड बनाओ यार। मेरे को एक रूइंग बोतल नहीं बनाना आता क्या? अब ठीक है। अरे क्यों फालतू गिरी कर रहा हूँ मैं, रह नहीं देता हूँ। एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं, छोड़ो रह नहीं देते हैं। मैंने लगता है वहाँ पे भी नाश फेरा होगा, इसलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कट कर दी। और यहाँ पे हमें और एबल मिल चुका है। हेबल नहीं छोड़ने भाई, हेबल जरूरी है भाई, खाना खाना इज इम्पोर्टेंट। बाकी कोई बात नहीं, जब डायमंड की पिकेक्स बनाएंगे तब बना लेंगे रिंग पोर्टल, क्या कहते हैं यार उसको, ऑब्सीडियन से जो भी बनता है। ओ देखो भाई यहाँ पे डीआरओ मर रखा है। भाई साहब इतनी बार मर चुका है ना ये लोंडा, मेरे को इसकी पता नहीं कितने 7-8 हर्ट होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। वो इनके पास भी खाना पड़ा है, वो किसी ने देखा तो नहीं मैं डीआरओ और एक घोड़े का खाना चुरा रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, भाई अब तो सांड भी भाई रोला पा रहे हैं भाई, कोई वीडियो बनाने ही नहीं देना चाहता मेरे को। ये लो रमन जो इन द गेम, भाई कितना नुबड़ा बनती करते हैं ना अपा। ओ भाई इससे तो वो बनाते हैं ना पोषण वोशन, ये काम क्या भाई, इसे उठा लेता हूँ। अरे पोषण इज इम्पोर्टेंट मैन, बाद में जब वहाँ पर जाएंगे ना वो वाला पोषण बना के जाएंगे जिससे हम लावा में जलते नहीं है, नहीं तो डीआर वो मरता ही रहेगा। ओ भाई यहाँ से सीन मस्त आ रहा है, ये भी आ गया नुबड़ा। तो हम कर क्या रहे थे? ओ भाई फाइनली कोई चीज तो अच्छी हुई। मतलब पता है मैंने काफी नुबड़ों में गलती करी है, फिर भी यार मतलब मेरे को लगा था ना ये नहीं हो पाएगी, लैग ही बहुत हो रहा था उस टाइम। कर क्या रहा मैं, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ शायद यहाँ से। क्यों करता हूँ मैं इतनी पुट्ठी हरकतें, क्यों दोस्तों, क्या मिलता है मुझे? अच्छा मैं अपने एक्शन मार के दिखा रहा था तुमको यहाँ पे कि भाई देखो भाई मैं हूँ असली प्रो प्लेयर। और ये रमन यहाँ पर अपनी वीडियो की एंड का वो बना रहा था, इंट्रो वीडियो के एंड का, वीडियो के एंड का इंट्रो बना रहा था ये यहाँ पे। रमन पीछे से चिल्ला रहा, कह रहा आउट्रो कहते हैं नुबड़े, तो जो भी कहते हैं यार इंट्रो 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 एक ही होता है ठीक है, एंड में शुरुआत में एक ही चीज़ होती है, वो होती है इंट्रो। वैसे भाई ये देखो ना नज़ारा कितना सही आ रहा था ना। और यहाँ पर रमन ये कहाँ बोल मैं शायद इसी वजह में सोया ना, ये देखो भाई ये ज़ोंबी नुबड़े इधर आते हैं। तू भी आ, अभी हम इसी विलेज में, हाँ ठीक है खा जाते हैं। देखो मकड़ी भी यहीं पर घूम रही है, वो आयरन गोलम ओए इसको पीटना पड़े हैं जरा नुबड़े, बस मारियो ना मेरे को, वो मकड़ी पेल रही है। तो ए ए क्या करना, क्या चाह रहा हूँ मैं, कोई हिट मार के भागना यार। मेरे को ये लग रहा था ओ मार दिया मार दिया। थ्री ओ ओ ओ, 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 ओ एक और एक और, ओ बिट्टी बच गया भाई। मैंने सोचा एक और ब्लॉक चढ़ी जाता है, पता लगे पेल रही है। चलो अब जल्दी से आयरन गोलम को पेलते हैं। 3-2-1 भाई इस आयरन मैन की चाची को मारने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और आयरन कितना दिया इसने, वो भाई 5 आयरन दिया, बढ़िया बढ़िया है। फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, 5 चैलेंज मिला है काफी है भाई। कर क्या रहा हूं मैं, 5 चैलेंज लेके पगल हो गया क्या? और फिर हम यहाँ पे बनाने लग जाते हैं फिर से अपने लिए खाना, क्योंकि खाना बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ कोई ये बाकी ये मीट पड़ा है, पर मीट नहीं खाते यार, ब्रेड इज अ शक्ति मैन मान मतलब मेरे को पता है एजियो का डायलॉग है, बट यार वो खाना चाहिए वेजिटेरियन, मैं रियल लाइफ में भी नॉन वेज नहीं खाता, किसी को भी नहीं खाना चाहिए वैसे तो। इन्हें भी रख ही देता हूँ, नहीं काफ़ी खाना बन जाएगा यार, खाने की तो चिंता ही नहीं है। ओपी तो चलिए गाइस यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं, मतलब अभी नहीं, मैं अभी आपको एक वो बताऊंगा कि गोल्डन शवल से कैसे क्या ना मैं अपने घर को वो करते हैं ठीक है। तो जल्दी से चलती है वो बताने, तब तक आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक तो करना है, मतलब सब्सक्राइब चैनल को करना ठीक है। MLG करके दिखाऊँ कैसे,
नहीं रहने नहीं देता हूँ, फालतू में मर जाऊंगा ना। ठीक है आप लाइक एंड सब्सक्राइब करो तब तक। यार देख ही लो मेरे को ना चुल मच रही है एक और बार एमएलजी दिखाने की। अब जल्दी से चलते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर एक और ये था भाई, एक और उठा लेते हैं, कमी क्या है ना। फिर हम चलते हैं यहाँ पर। देख गाइस देख सकते हो आप, जैसे ही मैं ना जमीन पर स्टिक मारता हूँ तो यहाँ पर लिखा आता है नो वन क्लेम दिस ब्लॉक, मतलब कि इस ब्लॉक को किसी ने क्लेम नहीं करा, आप कर सकते हो इसे क्लेम। और ये रमन को ना वो शवल मिली थी वही रून बॉटल से, इसने अपना घर क्लेम कर लिया। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पहले अपना घर क्लेम करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। देखो जैसे ही मैंने उसे उठाया मेरे पास 208 वो है क्लेम ब्लॉक। आपको ये क्लेम ब्लॉक मेरे को भी नहीं पता है कैसे मिलता है, शायद इसे हमें जितनी देर खेलते रहेंगे, जितना हम माइनिंग वगैरह करते रहेंगे उसी हिसाब से ही हमें मिलते रहते हैं। ठीक है तो आप घर ना शुरुआत में छोटा ही बनाना ताकि आप क्लेम कर सको उसे और कोई आपका घर ना तोड़ दे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक लाया, ये डायमंड का ब्लॉक बन गया और ये नकली है, कोई ये ना सोचना इसे तोड़ ले। ठीक है और ये यहाँ पर करते हैं, ये देखो चारों साइड एक गोल्डन के वो आ गए। अब ये एरिया ना मेरा हो चुका है। ठीक है मैं इस पर किसी को ट्रस्ट भी दे सकता हूँ कि ये सिर्फ तोड़ सके। अब ये देखो ये वैसे सारे ब्लॉक नकली है। ठीक है ये जैसे ही आप शवल रखोगे ये सारे ब्लॉक गायब हो जाएंगे। अभी ना मैं आपको रमन के घर जाके दिखाता हूँ कैसे। ये आ गए हम इसके घर पे, ये देखो मैं इसका कोई ब्लॉक नहीं तोड़ सकता। यू डोंट हैव परमिशन टू बिल्ड हेयर, ये मतलब रमन का एरिया ना, मैं इसका क्राफ्टिंग टेबल यूज़ कर सकता। ये देखो ये हट जाए यार, दिखा लेने दे ना। मैं इसका बेड तोड़ सकता ना, मैं इसकी चेस्ट खोल सकता, तो इस चीज़। और यहाँ पर हम पीवीपी भी नहीं कर सकते भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, तो सभी इसे ज़रूर करना ताकि कोई आपका घर ना तोड़ सके। एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।